वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, एक्टर अर्जुन रामपाल से आज एनसीबी करेगी पूछताछ। ड्रग्स केस में एनसीबी से अर्जुन रामपाल से पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए घर से निकल चुके हैं अर्जुन रामपाल। अर्जुन की गर्लफ्रेंड ग्रेविएला से भी पूछताछ कर चुकी है एनसीबी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बाद से ही एनसीबी मुंबई में अलर्ट है। मुंबई और गोवा के कई ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया था, और ये ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे अब अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड जो है वो एनसीबी दफ्तर पहुंची थी। और अब खबर ये भी आ रही है कि अर्जुन रामपाल एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड से पूछताछ हो चुकी है। कई ड्रग पेडलर से पूछताछ हुई थी जिसमें अर्जुन रामपाल का नाम सामने आया था। अर्जुन रामपाल के घर पर भी एनसीबी ने छापा मारा था। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो थे उनको भी अपनी विरासत में लिया, अपने दिया था। सीधे चलेंगे श्वेता वर्मा के साथ जो मुंबई से हमसे लाइव जुड़ रही है। श्वेता, क्या अर्जुन रामपाल पहुंच गए एनसीबी दफ्तर? जी बिल्कुल, कुछ चंद मिनट पहले बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल यहां पर एनसीबी दफ्तर में पहुंचे हैं। आपको बता दें, आज उन्हें समन किया गया था और आज उनकी पेशी है। अब सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो चालू होगा। यहां पर समीर वानखेड़े एनसीबी ऑफिसर भी पहुंच चुके हैं। इंटरोगेशन अब कुछ ही वक्त में चालू हो जाएगा और दो दिनों तक अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर गैब्रियला के साथ भी इंटरोगेशन हुआ और वहां से कई मुख्य इन्हें जो कड़ियां हैं वो सामने हासिल की एनसीबी के अधिकारियों ने। और आज अर्जुन रामपाल से सवाल जवाब किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह जानना होता है कि जिस तरीके से जो ड्रग सब्सटेंस बरामद किए गए थे अर्जुन रामपाल के घर से, आखिर उसके पीछे क्या माजरा है? जो प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल पाया है वो क्यों नहीं मिल पाया है? और ये तमाम सवाल एनसीबी के अधिकारी अर्जुन रामपाल पर दागने वाले हैं। श्वेता, क्या जो गर्लफ्रेंड है उनको भी बुलाया जाएगा, आमने सामने बैठाया जाएगा? अर्जुन रामपाल के जो ड्रग पेडलर्स मिले हैं, जो दोस्त मिले हैं अर्जुन रामपाल के जिन पर एनसीबी ने शिकंजा कसा था, क्या उनके सामने बैठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन भी अर्जुन रामपाल का आज किया जाएगा? जी देखिए, सबसे पहले अगर हम क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, अभी तक ये बात सामने निकल कर नहीं आई है क्योंकि दो दिनों तक गैब्रियला से पूछताछ हुई, उन्हें क्विज किया एनसीबी के अधिकारियों ने और आज अर्जुन रामपाल को बुलाया गया है। आज इनकी पेशी है और अब इनसे सवाल जवाब कर अब जब तालमेल होने की बात की जाएगी कि किसके जवाब कितना मेल खाते हैं या नहीं, तब ये अगला पहलू जुड़ता है क्रॉस एग्जामिनेशन का। पर आज के लिए अर्जुन रामपाल को बुलाया गया है और इस वक्त वो एनसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं और कई सवाल हैं एनसीबी द्वारा जो अर्जुन रामपाल को उनके जवाब देने होंगे। भले ही वो बात गैब्रियला के ब्रदर की हो, उनके भाई की एजिस्लियस की हो या खुद गैब्रियला की हो, क्योंकि उनके पास भी कुछ ऐसे ड्रग सब्सटेंस बरामद हुए थे जिनके अभी तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल पाई है। और साथ में जब एनसीबी की टीम ने वहां पर अर्जुन रामपाल के घर पे जब छापेमारी की थी, वहां से इलेक्ट्रॉनिक दिवाली का मौका है श्वेता, और अर्जुन रामपाल आज एनसीबी के दफ्तर में है, पूछताछ होगी। कई साक्ष्य हैं एनसीबी के पास जिसके चलते अर्जुन रामपाल को आज बुलाया गया। आप नजर बनाए रखिए, कोई भी अपडेट होगी श्वेता हम फौरन आपके पास वापस आएंगे। बड़ी खबर है मुंबई के अर्जुन रामपाल, जाने माने आप कह सकते हैं एक्टर हैं, कई पिक्चर्स में काम कर चुके हैं और आज एनसीबी दफ्तर में ड्रग्स को लेकर उनसे पूछताछ हो